नमस्कार दोस्तों, मैक मिरेकल में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हम थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देख रहे थे, आइए एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं, फिर उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे हम। आपको पता है कि आपका ये 4 बार मैकेनिज्म है। लिंक नंबर 1 ये आपका फिक्स लिंक है, लिंक नंबर 2 ये है, लिंक नंबर 3 ये है और लिंक नंबर 4 ये है। ओमेगा 2 आपको गिवन है, ओमेगा 2 आपको गिवन है और सेंट्रो 1 2 आप इजीली लोकेट कर लोगे, सेंट्रो 2 3 आप इजीली लोकेट कर लोगे, 3 4 इजीली लोकेट कर लोगे, 1 4 इजीली लोकेट कर लोगे। 1 3 और 2 4 के लिए आप केनेडी थ्योरम लगाओगे। 1 3 को मैंने यहाँ लोकेट कर रखा है। अब जो ये सेंट्रो 2 3 है उसको मैं एक बार पॉइंट ए बोल देता हूँ। पॉइंट ए और सेंट्रो 2 3 एक ही पॉइंट है, ठीक है, दैट इज जंक्शन बिटवीन द 2 एंड 3। अगर हम इस सेंट्रो की 2 3 की वेलोसिटी निकालें तो उसके लिए आपके पास, आपको पता है कि 2 तरीके हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो 2 3 और वेलोसिटी ऑफ ए, एक ही बात हो गई। कैसे निकालेंगे? आपको ओमेगा 2 पता है और आप क्या निकाल लोगे, ओमेगा इंटू आर का फॉर्मूला लगाओगे। ओमेगा 2 आपको पता है, आर क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रो 2 1 2 एंड 2 3, ठीक है, दैट इज 1 2 एंड 2 3 के बीच की डिस्टेंस आप निकाल लोगे। क्योंकि ये कैसा लिंक है, ये लिंक आपका प्योर रोटेशन में एक की तरह एक्ट करेगा अबाउट द फिक्स पॉइंट, दैट इज द सेंट्रो 1 2, ठीक है। अब ए पॉइंट आपका लिंक नंबर 3 से भी और 2 से, दोनों से बिलोंग करता है। 2 से बिलोंग करते हुए आपने निकाल लिया वी ए इज इक्वल टू ओमेगा 2, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रो 1 2 एंड 2 3। अब जो 3 से भी बिलोंग करता है, अब मैं ए पॉइंट को 3 पर मानूंगा और 3 पर मानते हुए मैं, हमें पता है कि अगर मैंने अगर इसको ए पॉइंट को 3 पर मान लिया है तो सेंट्रो 1 3 के अबाउट लिंक 3 प्योर रोटेशन में होगा। ये हम पीछे देख चुके हैं। तो 1 3 के अबाउट ये प्योर रोटेशन में होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए को ओमेगा 3, ठीक है, जो मुझे निकालनी है। वी ए मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, ऊपर से ओमेगा 3 मुझे निकालनी है अब। एंड द डिस्टेंस बिटवीन 1 3 एंड 2 3, दैट इज द सेंट्रो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रो 1 3 एंड 2 3। इस तरीके से मैं ओमेगा 3 निकाल लूंगा। अब आप इसी चीज को जनरलाइज करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने लिंक माना है लिंक एम और लिंक एन, उनके बीच में सेंट्रो है, सेंट्रो एम एन, ठीक है, जिस प्रकार यहाँ 2 3 है उसी प्रकार वहाँ एम एन हो गया। अब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो एम एन निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा ऑफ एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रो 1 एम एंड एम एन। कैसे? इसी तरीके से आप देखें जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है। अगर 2 3 है तो ओमेगा 2 एक बार आएगा, तो एम एन है तो एक बार ओमेगा ऑफ एम आएगा। और आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन 1 2 एंड 2 3 है, तो वहाँ 1 2 है तो 1 एम आ गया और डिस्टेंस बिटवीन एम एन आ गया, ठीक है। इसी प्रकार मैं कैसे लिख सकता हूँ, जिस प्रकार मैंने ये लिखा है उसी प्रकार अब मैं पॉइंट आई एम एन को लिंक एन पे कंसिडर करूंगा, और तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एन एंड द डिस्टेंस बिटवीन आई एन एंड एम एन, ठीक है। देखो, 3 IC टोटल, 3 जो आपके सेंट्रो इंस्टेंटेनियस सेंटर यूज हुए हैं उसमें एम एन, 1 एम एंड 1 एन। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है उसको ध्यान से गौर कीजिए। यहाँ तो मैंने लिंक एम और एन आपको दिखा रखे हैं, ये एक जॉइंट है इनका और वही आपका सेंटर हो गया। आपको पता है अगर 5 बार मैकेनिज्म भी है तो आपको पता है कि 2 और 5 का भी एक सेंट्रो होने वाला है, लिंक 2 और 5 का भी एक सेंट्रो होने वाला है, ठीक है। हालांकि वो आपस में आपको कनेक्ट में नहीं दिखेंगे, मतलब कि वो फिजिकली कनेक्ट नहीं है, लेकिन उनके बीच में भी एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट वो दोनों लिंक प्योर रोटेशन में होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मान लीजिए 5 बार लिंक मैकेनिज्म है और 2 और 5 का भी सेंटर होने वाला है, डेट इज I2 5 भी होने वाला है आपका, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लिंक 2 भी प्योर रोटेशन में होगा और 5 भी प्योर रोटेशन में होगा। समझ रहे हो बात को? उस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ 2 5 इज इक्वल टू द ओमेगा ऑफ 2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 1 2 2 2 5। समझ रहे हो बात को? डिस्टेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 2 एंड 2 5। उसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, द वेलोसिटी ऑफ दैट 2 5 इंस्टेंटेनियस सेंटर इज विल बी इक्वल टू द ओमेगा ऑफ 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रो 1 5
एंड 2.5। मतलब कि आपको करना क्या होगा उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर केस में आपको सेंट्रो 2.5 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, 1.5 को फाइंड आउट करना पड़ेगा और 1.2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1.5 की 2.5 से डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी, 1.2 की 2.5 से डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। ओमेगा 2 या ओमेगा 5 में से एक आपको गिवन होगा और आप ओमेगा 5 इजीली कैलकुलेट कर लोगे। समझ रहे हो बात को? मतलब कि आपको जिस प्रकार हमने लिंक टू लिंक मेथड में देखा था, ओमेगा 5 करने के लिए आप फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले 2 से 3 पे जाना पड़ता है, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे। इस केस में आपका सारा काम रिड्यूस हो गया है, बस आपका काम क्या रह गया है कि आपको उस पर्टिकुलर सेंट्रो, उन दोनों लिंक का सेंट्रो फाइंड आउट करना है, चाहे वो कनेक्ट आपस में हो या ना हो। कनेक्ट हैं अगर दोनों लिंक तो आपका काम और इजीली हो गया है कि आप जल्दी से आप सेंट्रो बता दोगे, क्योंकि वो सेंट्रो वही आपका ज्वाइंट पॉइंट हो जाएगा, जैसे कि इस केस में है। अगर आपका वो लिंक आपस में कनेक्ट नहीं है, जैसे 2 और 5 कह रहा हूँ मैं, तो अगर वो आपस में कनेक्ट नहीं है तो आपको कैनेडीज थ्योरम की हेल्प लेते हुए उस सेंटर को फाइंड आउट कीजिए। 1.2 आपका फिक्स ही होगा, क्योंकि 1 तो फिक्स लिंक होता है, 1 फिक्स लिंक होता है, 2 इस प्रकार का लिंक होता है, तो 1.2 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर 5 लिंक, अगर 5 लिंक्स हैं तो जिस प्रकार यहाँ 1.4 मिल रहा है, उसी प्रकार आपको 1.5 भी इजिली मिल जाएगा। तो आपको करना होगा 1.2 और 2.5 की डिस्टेंस मेजर करनी होगी, और 2.5 और 1.5 की डिस्टेंस मेजर करनी होगी। ये काम आपको करना होगा। ओमेगा 2 आपको गिवन होगा और ओमेगा 5 आप निकाल लेंगे। ये है इसका फिजिकल मीनिंग। जो लिंक आपस में कनेक्ट भी नहीं है और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने इस प्रकार किया। अगर मैं इस लिंक की, इस पर्टिकुलर फिगर की बात करूं तो उस केस के लिए आप देखिए, यहाँ अगर मुझे ओमेगा 2 गिवन है और मेरे को ओमेगा 4 निकालना है विदाउट फाइंडिंग द ओमेगा 3, तो मैं क्या लगाऊंगा? ओमेगा 2 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस सेंटर 2.4 टू 1.2, मतलब 1.2 और 2.4 के बीच में डिस्टेंस कितनी है। 1.2 आपका आ जाएगा कुछ इधर, और आपको पता है कि इस केस में आप 2.4 निकालोगे कैनेडी थ्योरम की हेल्प से, और उसके बीच की डिस्टेंस आप मेजर कर लोगे, और ओमेगा 4 आपको निकालना है, और 2.4 आप निकाल ही लोगे कैनेडी थ्योरम की हेल्प से, और 1.4 आपका आ जाएगा ये पॉइंट। तो मतलब कि इन पॉइंट की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। ओमेगा 2 आपको गिवन होगा और ओमेगा 4 आप फटाक से निकाल लोगे। समझ रहे हो आप बात को? ओमेगा 4 कैन बी फाइंड आउट विदाउट फाइंडिंग ओमेगा 3। ओमेगा 4 कैन बी फाइंड आउट विदाउट फाइंडिंग ओमेगा 3। समझ रहे हो आप बात को? आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम इस थ्योरम का भी यूज करेंगे, कैनेडी थ्योरम का भी यूज करना सीखेंगे, और जो सर्कल ऑफ सेंट्रो है उसका भी यूज हम आपको बताऊंगा कि अगर आप कैनेडी थ्योरम यूज ना करना नहीं करना चाहते हैं तो सर्कल ऑफ सेंट्रो किस प्रकार यूज कर सकते हैं। सर्कल ऑफ सेंट्रो और कैनेडी थ्योरम एक दूसरे का सिर्फ एक दूसरे का पर्यायवाची है। आप किसी को भी यूज करें, दोनों से रिजल्ट सेम आने वाला है। सेकेंड टाइप है एक तरीके का कैनेडी थ्योरम का। कैनेडी थ्योरम को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो उसका भी एक तरीके से उसको दिखाता है, वो आपको दिखाता है सर्कल ऑफ सेंट्रो। मान लीजिए 4 लिंक आपको गिवन है, क्वेश्चन है ये, 4 लिंक गिवन है, 1, 2, 3, 4, और लिंक 1 और लिंक 2 की लेंथ ए दे हुई आपको। सेंट्रो 1, 2, सेंट्रो 2, 3, सेंट्रो 3, 4, 1, 4 आप इजिली लोकेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहता है कि आपका लिंक 2 इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करता है, और उसकी वैल्यू है 5 रेडियन पर सेकेंड, और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ACW लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और आपको बताना है ओमेगा 3। अब आप कहोगे कि ओमेगा 3 तो हम उससे भी निकाल सकते हैं लिंक टू लिंक मेथड से, क्योंकि 2 और 3 तो आपस में कनेक्ट है, ठीक है आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें यूज़ करेंगे आपका एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम। देखिए कि उसमें किस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप नोटिस करें, अगर ये आपका लिंक 180 डिग्री घूमेगा, ये लिखा हुआ है एट 180 डिग्री सेल्सियस पर आपका ओमेगा 2 कितना है, 5 रेडियन है, तो इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो लिंक 2 आपका इसके लिंक 1 के पैरेलल में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 180 डिग्री पर, एट थीटा इजिकल टू 180 पर, ठीक है। तो आपकी फिगर कुछ इस तरीके से होने वाली है, लिंक 1 ये आ गया, लिंक 2 आपका ये आ गया, लिंक 3 आपका यहाँ आ जाएगा, लिंक 4 आपका आ जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। इंस्टेंटेनियस सेंटर 1, 2 एंड 1, 4 चेंज नहीं होंगे, आपको पता है क्यों चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये फिक्स लिंक के साथ जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है।
3 4 अब आपका यहाँ आ जाएगा और 2 3 आपका यहाँ आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या क्या है, आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 3 निकालना है एंड 2 4 निकालना है। उसके लिए आप चाहे तो कैनेडी थ्योरम का यूज़ कर लो। 1 से 3 पहुँचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, 1 2 3 और 1 4 3। कैनेडी थ्योरम का यूज़ करो, आपको पता लग जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 3 कहाँ आने वाला है। ठीक है, 2 से 4 पहुँचने के भी आपके पास 3 2 रास्ते हैं, 2 1 4 2 3 4। समझ रहे हो बात को, मैं लिख देता हूँ आपको। अगर आपको I 1 3 निकालना है तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, 1 2 3 एंड 1 4 3। और इसी प्रकार अगर आपको I 2 4 निकालना है तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, 2 सेट लेने पड़ते हैं आपको लिंक्स के, तो 2 1 4 और 2 3 4। आप इस प्रकार कैनेडी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए भी ये इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यूज़ करना यहाँ किसका सिखाऊंगा, आपको सर्कल ऑफ सेंटर का यूज़ करना सिखाऊंगा। आपने एक सर्कल बनाया एक्सिस पर, एक्सिस ली XY और उसके ऊपर एक सर्कल बनाया, और जो जहाँ चारों पॉइंट पर एक्सिस को कट कर रहा था सर्कल, वहाँ पर 1 2 3 4 दे दिया नाम, उनको आपस में मिलाया। देखिए जो आपने मिलाए हैं वो आपको सभी पता होंगे, 1 2 आपको पता है ना, 1 2 आपको पता है, 2 3 आपको पता होगा, 2 3 आपका ये रहा, ये 1 2 है आपका, ये 2 3 है होगा आपका, ये जो ये वाला होगा, समझ रहे हो बात को आपको, और ये आपका 1 4 है और ये आपका 3 4 है। 3 4 भी आपको पता है, 1 4 भी आपको पता है। आप समझ गए होंगे बात को मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अब 1 3 आपको जो मैंने नीले रंग से लिखा हुआ है, और आपको 2 4 जो ये ऑरेंज कलर से मैंने लिखा हुआ है, ये सॉरी ग्रीन कलर से जो मैंने 1 3 लिखा हुआ है, और 2 4 से जो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, ये हमें निकालना है। अब देखो सेंट्रो, सर्कल ऑफ सेंट्रो का यूज़ कैसे करते हैं, आपको क्या निकालना है, 1 3 जो डायगनल है। अब आप देखो 1 3 जो डायगनल है वो 2 ट्रायंगल का बेस है। कौन कौन सी ट्रायंगल का बेस है, एक ट्रायंगल है 1 4 3 और एक ट्रायंगल है 1 2 3। तो 1 3 के तक जाने के लिए हमें किस प्रकार से जाना पड़ेगा, 1 4 और 3 4, समझ रहे हो बात को। और एक दूसरे तरीके से जा सकते हैं, 1 2 और 2 3, मतलब देखिए 1 4 और 3 4 मिलकर के आप से होते हुए भी हम 1 3 की तरफ पहुंच रहे हैं, और 1 2 और 2 3 से होते हुए हम 1 3 पर पहुंच रहे हैं। देखिए आप इसका फर्स्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर को देखेंगे, सॉरी सॉरी आप, ये मैंने गलत बोल दिया आपको, फर्स्ट लेटर और थ्री लेटर लास्ट लेटर, देखिए 1 4 और 3 4 आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का डायगनल आपका 1 3 है। इसी प्रकार 1 2 और 2 3 का अगर आप डायगनल देखेंगे, इसका भी आपका डायगनल, इसका भी आपका जो बेस है या डायगनल है स्कूल का, वो 1 3 है। आप समझ गए होंगे बात को। इसी प्रकार हमें 2 4 निकालना है, 2 4 के लिए हमारे पास 1 4 और 1 2 है और 3 4 और 2 3 है। देखिए मैंने लिखा भी हुआ, आप समझ गए होंगे कि मैं किस क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, कि जिस सेंट्रो को आपको निकालना है डेट इज 1 3 और 2 4, उस पर जाने के आप पर्टिकुलर सेंट्रो जो उस पर जाने के वक्त जो आपको सेंट्रो पता है वो आप लिख लीजिए। आप समझ रहे हैं बात को। अब इसका यूज कैसे करेंगे सर्कल ऑफ सेंटर का, आप देखिए 1 4 और 3 4 आपको पता है, 1 4 और 3 4 को आप देखिए मिलाइए, जो मैंने आपको ग्रीन कलर की लाइन से मिलाया हुआ है, 1 4 और 3 4 को मिलाया, ठीक है, 1 2 और 2 3 को मिलाइए, 1 2 आपका ये रहा और 2 3 आपका ये रहा। अब इसको इन दोनों लाइन को एक्सटेंड कीजिए, जहां पर ये कट करेंगे वहां पर आपको I 1 3 मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को। अगर आप इसी प्रकार आप देखेंगे, आप जब लगाएंगे आपका कैनेडी थ्योरम, तो उसमें भी यही होने वाला है। देखिए इसमें 1 2 3 अगर रास्ते से मैं जाता, 1 2 3 रास्ते से जाता, तो 1 2 आपको पता है और आपको क्या पता है, 2 3 पता है, डेट इज सेम लाइन ये आ गई, ठीक है। अगर मैं 1 4 3 रास्ते से जाता तो 1 4 आपको पता है और 4 3 आपको पता है ये लाइन। तो इन दोनों लाइनों को जब मैं एक्सटेंड करता और वो यहाँ मीट करती, और उसी प्रकार मेरा I 1 3 निकलता। इसी प्रकार जब आप 2 4 को फाइंड आउट करेंगे, 2 4 का क्या है, 3 4 और 2 3 की लाइन को मिलाइए, 3 4 और 2 3 की लाइन को मिले मिलाया ये वाली लाइन आई आपकी, 1 4 और 1 2 की लाइन को मिलाइए, 1 2 ये रहा आपका और 1 4 आपका ये है। तो इनको जो मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पर कट करेंगी,
और ये है मेरा पॉइंट कौन सा आ गया, 2 4। तो आप नोटिस करिए 1 4 और 1 3 सेंटर सेंट्रो है वो एक पॉइंट पर लाई करते हैं, और दो 2 4 और 2 3 है वो एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं इस समय। समझ गए आप बात को। अब आप देखिए एंगुलर थ्योरम का यूज कीजिए। एंगुलर थ्योरम का किस प्रकार यूज कर सकते हैं, देखिए आपको पता है कि एंगुलर थ्योरम में आपको 2 गिवन है, 3 आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ओमेगा 2 इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 3 एंड 1 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 इज इंटू 2 3 और 1 3 के बीच की डिस्टेंस। आपको पता है ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, आप ध्यान से देखिए इसको थोड़ा। कि मैंने ये इन दोनों को इक्वल रखा, इन दोनों पॉइंट को इक्वल रखा। आप ध्यान से देखें, ओमेगा एम एंड डिस्टेंस बिटवीन एम एन एंड 1 m, अगर मैं 2 को m मानूं तो ओमेगा 2, ठीक है, और आई एम एन की जगह आई 1 2 आ गया, और n को मैं मानता हूँ 3, तो आई एम एन कितना हो गया, 2 3। समझ रहे हो बात को आप। n को मैंने 3 माना जैसे अभी मैंने बताया, तो यहाँ ओमेगा 3 आ गया आपका, और डिस्टेंस बिटवीन द 1 3 एंड 2 3। समझ रहे हो बात को आप। ये तो मैंने यही एंगुलर थ्योरम आपकी यहाँ लगाई है, और क्योंकि जो वेलोसिटी होगी 2 3 की, वो दोनों पर भी जो वो सेंट्रो होगा 2 3, वो लिंक नंबर 2 पर भी लाई करेगा और लिंक नंबर 3 पर भी लाई करेगा। समझ रहे हो आप बात को। तो ओमेगा 2 आपको पता है, 5 आपको गिवन है। अब 2 3 और आप देखिए, 2 3 और आपकी 1 2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2 3 और 1 2 के बीच में डिस्टेंस आपकी ए है, 3 आपको निकालना है ओमेगा 3, और 2 3 और 1 3 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1 3 आपका ये रहा, 2 3 आपका उधर है, दैट डिस्टेंस विल बी 2a, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो आराम से, ए से एक कैंसिल आउट, तो ओमेगा 3 आपका आ गया 2.5। हम समझ गए होंगे बात को, 5/2, तो ओमेगा 3 आ जाएगा आपका 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें कि ओमेगा 3 की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा 2 की डायरेक्शन आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज गिवन थी, तो आप थोड़ा सा आप नोटिस करें किस प्रकार होगी डायरेक्शन। देखिए आप ऊपर थोड़ा एक बार देखिए ध्यान से, कि I 2 3 जो एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम में यूज हुए थे सेंटर, उनको ध्यान रखना है। आपके सेंटर कौन कौन से यूज हुए हैं, 2 3 1 2 और 1 3 यूज। समझ रहे हैं आप बात को। देखिए मैंने जिस प्रकार मैंने यहाँ भी लिखा था कि कौन कौन से आपको यूज होंगे, आपको एक बार मैंने बताया था एम एन 1 m एंड 1 n, उसी प्रकार जब 2 3 के बीच में हम लगाएंगे, 2 3 लिंक के बीच में हम एंगुलर थ्योरम लगाएंगे, तो हमारे कौन कौन से यूज हुए हैं, 2 3 हुआ है, 1 2 हुआ है और 1 3 हुआ है। 2 3 2 3 कॉमन है, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 और 1 3 के जो सेंटर हैं उनकी आप पोजिशन एक बार देखिए, तो 2 3 आपका इधर है, 1 2 आपका इधर है और 1 3 आपका इधर है। मतलब जब 1 2 और 1 3 हैं वो 2 3 के एक साइड में हैं। आप समझ गए होंगे जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ इस प्रकार आपकी पोजीशन है, 1 2 3 आपका इधर है, 1 2 आपका यहाँ है, 1 3 आपका इधर है। तो आप डायरेक्शन के लिए एक नोट लिखें, इफ वन एंड 1 m आर ऑन द सेम साइड, ठीक है, अगर एक ही तरफ हो, 2 3 के एक ही तरफ हो, चाहे इस तरफ हो या चाहे उस तरफ हो, 1 2 और 1 यानी कि 1 n और 1 m, और यहाँ पर n आपका 3 है और m आपका 2 है। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफ 1 n एंड 1 m आर ऑन द सेम साइड ऑफ IMN, ठीक है, तो आपका सेम टाइप का रोटेशन होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। मतलब कि ओमेगा 3 भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि जिस डायरेक्शन में आपका ओमेगा 2 गिवन है। समझ रहे हो बात को। अगर आपका I 2 3 के दोनों तरफ आपके MN आ जाते हैं, मतलब कुछ I 2 3 आपका सेंटर हो जाता है, आपके बीच में आ जाता है 1 n एंड 1 m के बीच में, ठीक है, तो ओमेगा 3 की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ओमेगा 2 से, ओमेगा 3 विल बी अपोजिट टू द ओमेगा 2। समझ रहे हो बात को। एक क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्शन के ऊपर और भी क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आपका, ये लिंक दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 2 3 3 4 1 2 जो सेंटर है वो आप इजीली लोकेट कर लेंगे। ओमेगा 2 की आपको डायरेक्शन विद वेलोसिटी दे रखी, डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड दे रखा है, ओमेगा 2 आपको 5 रेडियन पर सेकंड दे रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओमेगा 3 के बारे में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है 14 रेडियन पर सेकंड, एंड आपसे पूछा क्या गया है कि ओमेगा 2 3 डेट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द लिंक 2 एंड 3, ठीक है, वो आपसे पूछी गई है एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी।
ठीक है, अब नोट करें, आपको डायरेक्शन ऑफ ओमेगा थ्री इज़ नॉट गिवन। अगर आप इसका इस पर्टिकुलर फिगर का जो आपको गिवन है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आप इसके सेंट्रो डिफाइन करें, सेंट्रो बनाएं, 1 2 आपका इधर आ जाएगा, I3 और I13 को जब आप एक्सटेंड करेंगे इन दोनों लिंक को कनेडी थ्योरम की हेल्प से, आपको पता लग जाएगा I3 आपका यहाँ आ रहा है। आप नोट करें I23 इन बिट आ रहा है इन बिटवीन 1 2 एंड 1 3, समझ रहे हो बात को? तो ओमेगा टू की अगर आपकी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा थ्री की आपकी एंटी क्लॉकवाइज रहने वाली है। देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है I12 इधर है, 2 3 बीच में है और 1 3 इस तरफ है। सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा थ्री विल बी द अपोजिट टू द ओमेगा टू। अब आप देखिए ओमेगा थ्री की आप डायरेक्शन बता सकते हैं 14 रेडियन पर सेकेंड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। अब ओमेगा टू थ्री आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है ओमेगा थ्री टू थ्री विल बी इक्वल टू द ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री। ये वेक्टर सम और एडिशन आपको पता है, 11th क्लास से आप करते आ रहे हो। आप कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें एज पर योर कन्वीनियंस। अब मैंने मान लिया है कि यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, तो प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 जो रेडियन है वो क्लॉकवाइज, जो 5 रेडियन पर सेकेंड है ओमेगा टू वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैंने +5 लिखा, क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है क्लॉकवाइज। माइनस एंड -14, -14 क्योंकि जो डायरेक्शन है वो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो ये माइनस आ जाएगा। तो आंसर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 आ जाएगा। अब 2 3 की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये आगे सम पॉजिटिव आया है, तो वही डायरेक्शन होगी जो पॉजिटिव आपने कंसिडर किया है, डेट इज़ क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं आप बात को? कोई भी डाउट हो तो आप एक बार देख लीजिए क्या है ना। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट आप देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए, अगर मैं इसी सेम लिंक की पोजीशन चेंज कर दूं, आप नोटिस करें कि इसकी पोजीशन कैसी है इसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म की, 1 2 3 4। अगर मैं इसकी जस्ट पोजीशन चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन की, कुछ इस प्रकार कर दूं, तो आप देखिए आपको किस प्रकार आपका आंसर चेंज होता है। इफ पोजीशन चेंज, अगर मैंने पोजीशन चेंज कर दी, लिंक 1 2 3 4 है, इसकी पोजीशन चेंज कर दी मैंने इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की, तो 1 3 को आप कैसे लोकेट करेंगे? 1 3 आपका किन किन के बिटवीन है? आपको पता है आपका 1 2 3 के बिटवीन है, 1 4 3 के बिटवीन है, तो 1 2 3 के बिटवीन है, तो आप जाइए, 1 2 आपको पता है, 2 3 आपको पता है, तो इस स्ट्रेट लाइन में आपका सेंट्रो लाई करेगा अकॉर्डिंग टू द कैनेडी थ्योरम। 1 4 3 के थ्रू जाएंगे तो आप सेट के थ्रू जाएंगे, तो 1 4 3 सेट के थ्रू जाएंगे तो आपका 1 4 आपका यहाँ है, 3 4 आपका यहाँ है, तो आपका 1 3 इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। एक्सटेंड कीजिए, जहाँ पर कट करेगा आपका वहाँ पर आपका सेंट्रो 1 3 आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए 1 2 और 1 3 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ I23। आप देखिए 2 3 इधर है, 1 2 और 1 3 इधर आ गए, जैसे ही पोजीशन चेंज हुई सेंट्रो चेंज करेंगे अपनी पोजीशन एज यूजुअल आपको पता है, और इस बार आपका 2 3 और 2 3 के एक साइड, 1 2 और 1 3 एक साइड आ गए हैं 2 3 के, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा थ्री विल बी सेम एज डेट ऑफ द ओमेगा टू। सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा थ्री विल बी सेम एज डेट ऑफ ओमेगा टू, क्योंकि पता है हमने पीछे कंसिडर किया है, ठीक है, कि अगर एक तरफ होंगे तो आपको वही डायरेक्शन हो जाएगी, अगर डिफरेंट साइड डिफरेंट, अगर ओमेगा टू अगर बीच में आ गया 2 3 तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ओमेगा थ्री आपका इस बार क्या हो जाएगा, 14 रेडियन पर। सेम क्वेश्चन है, 1 2 आपको पता, ओमेगा टू आपको पता है, ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज, ओमेगा टू आपको पता है, ओमेगा थ्री क्या हो जाएगा, 14 रेडियन पर सेकेंड, आपको मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। 2 3 आप निकालेंगे तो 2 माइनस 3, अगर मैं क्लॉकवाइज कोई पॉजिटिव लूँ तो +5 -14 ऑफ पॉजिटिव साइन, क्यों क्यों, ये भी क्लॉकवाइज है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आप देखें तो आपका आंसर आ जाएगा -14 +5 -9, -9 आ जाएगा। मैं उस मैग्नीट्यूड को प्लस लिख देता हूँ और नेगेटिव आया है उसकी जगह वो डायरेक्शन शो कर देता हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपका आंसर आया है -9, उसको मैंने क्या लिख दिया है, +9, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि जो आपकी डायरेक्शन होने वाली है वो अपोजिट होने वाली है, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, जो अज्यूम मैंने की थी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन आपकी एंटी